वेलकम और नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीएल बैंक टीसेट टैलेंट पे, एक शो जहां हम लाते हैं आपके लिए उभरते सुपर टैलेंटेड कमाल के कलाकार। इनकी उम्दा प्रदर्शन के साथ आप मौका पा सकते हैं अमेज़न गिफ्ट वाउचर जीतने का। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन आरबीएल बैंक टीसेट टैलेंट। अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलते हैं हमारे सबसे पहले टैलेंट से। Welcome to TSA Talent Guru. How are you? I'm great man. How are you? All good. बिल्कुल आपका इंतजार हो रहा है। क्या वीडियो है? बिल्कुल आपने सस्पेंस अब टूट चुका है सस्पेंस और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। चैट बॉक्स भर चुका है यस के साथ, सुपर एक्साइटेड के साथ। वॉइस पे आपको एक गोल्डन बजर भी मिला था, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस वॉइस के साथ? आई मीन द वॉइस में जो एक्सपीरियंस मेरा था, बचपन से जिन लोगों को टीवी पे देखा है उन लोगों को सामने देख के इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और यू नो मैं कंट्रोल करना चाह रहा था कि मेरे आंसू ना निकल जाएं, तो और नहीं निकले। खैर क्या बात है, क्या बात है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे साथ एक अटेंडी जुड़ी है, वो कह रही है आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। एक बारी मैं चाहूँगा कि जो भी गाने आज आप हमारे लिए ले करने वाले हैं, गाने वाले हैं, वो एक स्माइल के साथ गाएं ताकि हमारे चेहरे पे भी वो स्माइल आए, जिस तरीके से सानिया जी कह रही हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई दैट, आपके चैट बॉक्स के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चैट बॉक्स में एक ऑप्शन है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मैसेज भेजना किसको है। उसमें आप ऑप्शन को प्लीज सिलेक्ट करिए, ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज या फिर ऑल पैनलिस्ट, ताकि सबको वो मैसेज दिखे। थैंक यू सो मच गुरु, द स्टेज इज योर्स। द सॉन्ग व्हाट आई एम गोइंग टू सिंग इज अ वेरी आई थिंक सभी के दिलों के बहुत करीब है वो गाना, और इट्स पुराना गाना है, लता जी ने गाया है, तो इट्स अ फीमेल सॉन्ग, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा लगे। अच्छा तो मैं अंतरा उसका गाता हूँ, आप लोग गैस करिए कौन सा गाना है इन द कमेंट्स। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे, मैं ना
जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मन चाह मोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। अच्छा, जो मैं नेक्स्ट गाना गाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ वो सब लोग गैस करें कौन सा गाना है। इसका म्यूजिक फिर से प्ले करता हूं, कोक स्टूडियो का गाना है। जीत कुमार जी, यू आर डेफिनेटली करेक्ट। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी। जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण। जिस्म तरशा हुआ दिलकशों दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। हुस्न जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी। हुस्न जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। धनी धनी जाने जागा, धनी धनी जाने जागा, धनी धनी जाने जागा, धनी धनी जागा, धनी जागा मा गा मा गा सा, धनी नी जा सागा गा मा मा दा, धनी नी जा सानी दा मा मा गा मा मा सागा मा दा नी सागा सागा नी जा नी दा मा गा मा सागा मा दा नी नी दा दा मा मा गा मा गा सा, धनी नी जा सागा गा मा मा दा, धनी नी जा सागा गा सा सागा गा सा सागा गा सा सा नी नी दा दा मा मा गा मा गा सा गा सा गा नी सा गा मा दा नी सागा सागा नी जा नी दा मा गा मा सागा मिर्जा नी नी दा दा मा मा गा मा गा सा नी नी सा दा दा नी नी मा मा दा दा गा गा मा मा सा सा गा गा नी नी सा सा दा दा नी नी सा सा गा गा मा मा दा दा नी नी सा नी सा दा नी गा मा दा मगा मदा नी सा बहुत खूब। बिल्कुल।
बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुरु के लिए, आप जहां भी बैठे हैं जैसे भी बैठे हैं। बहुत बहुत प्यारा गाया, ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन था नुसरत फतेह अली खान का। और एक ट्रिविया क्वेश्चन है यहाँ पे, एक अमेज़न गिफ्ट वाउचर का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, यू हैव अ चांस टू विन एन अमेज़न गिफ्ट वाउचर। सो दिस इज द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू दिस, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने आफरीन आफरीन सुना, द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन इज बाय नुसरत फतेह अली खान, उन्होंने गाया है ये, लेकिन ये इनके साथ लिखा किसने था, ये गाना लिखा किसने है? चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ, सो आई थिंक आई हैव द आंसर, नो नॉट येट, यस आई हैव द आंसर नाउ, आई हैव द आंसर। काफी आपने कोशिश तो करी है ठीक आंसर देने की, लेकिन उनका सरनेम काफी इधर उधर किया गया है। सो द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट आंसर दैट आई हैव गॉट इज बाय मिस्टर मनोज, आपने लिखा है जावेद अख्तर, जावेद अख्तर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है, लेकिन रियली रियली सॉरी, बट मनोज जी ने इसका सही जवाब सबसे पहला दिया है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर मनोज। मनोज जी, मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपना पूरा नाम, अपना ईमेल एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ शेयर कर दें चैट बॉक्स के अंदर, एंड आवर टीम विल बी गेटिंग बैक टू यू, हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बने रहिए, तीन अभी भी गिफ्ट वाउचर्स बाकी हैं, और मैं एक बार वापस पुरु को बुलाना चाहूंगा। पुरु, आपका एक्सपीरियंस के बारे वापस हम उसके बारे में बात करेंगे, द वॉइस का एक्सपीरियंस, द वॉइस ये जो शो रहा है, आप टॉप 25 में थे, इसके बाद की जिंदगी, इसके बाद का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? रहमान सर के साथ मैंने दो बार चेन्नई में शो किए हैं, तो उनके साथ आई वाज अ कीबोर्ड प्लेयर, मैं कीबोर्ड बजाया उनके साथ। जब स्टेज पे रहमान सर से मिले तो वो पहचान गए मुझे, तो वो आए और उन्होंने सर पे ऐसे ऐसे कर दिया और उन्होंने पूछा मतलब हाउ आर यू, मैंने बोला आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच, आप कैसे हैं, हाउ आर यू बेसिकली। उनको हिंदी समझ में नहीं आती, इज़ वेरी शाय, वो किसी से ज़्यादा बात करते नहीं है। तो आई वॉज लाइक, आई उनको आज भी अगर पूछेंगे कि पुरु कौन है तो उनको पता होगा 100% कि दिस गाइस पुरु। क्या बात है पुरु, आपका नाम अब हम सब याद रखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने गाया है, और अभी आने वाले मेडलेज में भी हम आपको सुनना चाहेंगे। इंतहा हो गई इंतजार की, ओ आईना कुछ खबर मेरे यार की, ओ के हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, के हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, ओ ओ ओ इंतजार की। बात जो है उसमें बात वो यहां नहीं कहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, ओ बात जो है उसमें बात वो यहां नहीं कहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, ओ बुझ न जाइए शमा ऐतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की, ओ आईना कुछ खबर मेरे यार की। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी
सोती रातों में जागी सी, दिल ही दिल में चली जाती है बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, दिल ही दिल में चली जाती है बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, धुंधलाती हुई बलखलाती हुई सावन की सूनी रातों में मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है, ये दिल को आज क्या हुआ है, ये डूबता ही जा रहा है, झूम 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 बापा, झूम 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 बापा, झूम 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 बाबा, हो झूम 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 बापा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, हो पुराने गाने से अच्छा कुछ भी नहीं है इस वक्त, कुछ भी नहीं है। अब किशोर कुमार का आपने गाना गाया है, सो बी किशोर कुमार, तो किशोर कुमार के ऊपर एक सवाल है, दिस इज योर नेक्स्ट चांस टू विन एन अमेज़न गिफ्ट वाउचर, 500 रुपीज का अमेज़न गिफ्ट वाउचर है। एक सवाल है मेरे पास, उन्होंने एक ऐसी मूवी में गाना गाया है जिसमें उन्होंने दोनों मेल एंड फीमेल दोनों की ही आवाज में वो गाना गाया है, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, पड़ोसन नहीं, ये उत्तर नहीं है, पहला 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 ऐसा गाना जिनमें उन्होंने दोनों ही, जी हाँ मेरे पास उसका सही उत्तर है, आके सीधी लगी दिल पे जैसे, आके सीधी, बिल्कुल, देव पॉल, इज दैट योर नेम, क्या ये आपका नाम है देव पॉल, अगर ये आपका अगर आपका ये नाम है, मैं चाहूंगा कि आप, सो आप जीते हैं ये वाला सवाल का, आपने सही उत्तर दिया है और सबसे पहले सही उत्तर दिया है, देव पॉल जी कंग्रेचुलेशन, तो भाई आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। तो एक बार ये अनाउंस वापस मैं कर दूं, ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज तक प्लीज आप अपने कमेंट्स को पहुंचाते रहिए, पुरु बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि कोई कमेंट्स उनको दिखें, एंड लेकिन पुरु मैं क्योंकि मेरे को कमेंट्स दिख रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि पीपल आर एंजॉयिंग, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि इसी चीज को और हम आगे लेकर चलें, पुरु पुरु द फ्लोर इज योर्स। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए, वेखी करां मैं ता गुल से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं, राजन दे यार भुलेया सुन ले पुकार भुलेया, तू ही तो यार भुलेया मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा तेरा मुखाम कमले सरहद के पार भुलेया, परवरदिगार भुलेया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने
लगी तीर ऐसा लगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर सयोनी सयोनी, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी सयोनी, तीर ऐसा लगा, मेरे तो यहाँ पे तीर छू गया। This was beautiful, सयोनी, बहुत बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको अपनी आवाज में गाया, लोग पागल हो रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। अगला सवाल एक और Amazon gift voucher के लिए आपके लिए यहाँ पे है। You can win another 500 rupees worth of Amazon gift vouchers। ये सवाल इनके आखिरी आखिरी जो उन्होंने गाना गाया पुरु ने, सयोनी। रूल्स आपको पता है, मैं चाहूंगा कि सब जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर उसका जवाब दें। सयोनी का अर्थ क्या है? What does it mean? सयोनी का मतलब क्या है? What does सयोनी mean? उसका लिटरल मीनिंग उर्दू इंग्लिश में क्या है? मैं चाहूंगा कि जल्दी से मेरे पास चैट बॉक्स में उसका जवाब आ जाए। यू हैव अ चांस टू विन एन अमेज़न गिफ्ट वाउचर वर्थ 500। जल्दी से बता दें। साथिया, एक सोलमेट, सो साथिया को भी सोलमेट बोला ही जाता है, सो डेफिनेटली सोलमेट का जो उत्तर आया है। अभिषेक जी, आई थिंक आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, दिस इज द आंसर, तो आई एम लविंग दिस। मैं बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी सैटरडे इवनिंग इतनी अच्छी जाएगी। इतने अच्छे ऑडियंस है, इतना अच्छा सेटअप है, एंड एवरीथिंग इज सो गुड। मुझे बहुत मजा आ रहा है परफॉर्म करके यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। बिल्कुल सैटरडे नाइट, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा लैपटॉप तो गर्म हो गया। बिल्कुल महफिल आपने सेट कर दी है, सीट से आपने हमें उठा दिया। थैंक यू अगेन टू द एंटायर टीम एट RBL बैंक फॉर हैविंग दिस ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग रहा। आपसे जुड़ेंगे, वापस जुड़ेंगे, बहुत जल्दी जुड़ेंगे हमारे अगले एपिसोड में हमारे अगले टैलेंट के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।